जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा की तरह आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते हैं और आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही नया उपाय लेकर आ गए हैं। आपको आज इस वीडियो में नज़र उतारने का असरदार उपाय बताने जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को या व्यापार को या दुकान को कैसी भी नज़र हो, 5 मिनट के अंदर आपकी नज़र उतर जाएगी। नज़र ऐसी चीज़ है जो किसी को भी लग सकती है, बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो सकता है, किसी को भी नज़र लग सकती है। आज हम आपको नज़र उतारने का सबसे असरदार उपाय बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी नज़र इससे आपकी उतर जाती है। नज़र होती क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। नज़र का पता कैसे चलता है, आज हम इस वीडियो में आपको बता देंगे, तो ध्यान से सुनिए। यदि आपका सिर भारी भारी लगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका सिर बहुत भारी लगे, आपकी आँखें थकी हुई लगे, आपकी आँख भारी भारी सी लगे, यदि आप थकावट महसूस कर रहे हैं, आँखें कमज़ोर सी लगे, ये नज़र के दोष हैं। सभी कार्य अचानक बिगड़ने लगें, कुछ अच्छा अच्छा होते हुए बुरा होने लगे, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इशारा करती हैं कि आपके घर में नज़र दोष है। नज़र किसी भी व्यक्ति को लग सकती है, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मुझे नज़र नहीं लग सकती। नज़र अच्छी हो या बुरी हो, कैसी भी हो, नज़र नज़र होती है। इसे उतारने के जो खास तरीके हैं वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। इसको आप घर में भी कर सकते हैं, तो कोई भी यह नज़र उतार सकता है। आपको क्या करना है, ध्यान रखें कि रविवार और बुधवार दिन जो होते हैं वो नज़र उतारने के लिए खाली वार माने जाते हैं। यह नज़र उतारने के ही दिन होते हैं और नज़र उतारने का समय होता है, उस समय पर अगर आप नज़र उतारते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही आपकी नज़र जो है असरदार तरीके से उतर जाएगी। नज़र उतारने के लिए 2 घड़ी का मिलन का आपको इंतज़ार करना पड़ता है, जैसे कि शाम के समय जब सूरज ढलता है और रात्रि का आगमन हो रहा होता है, यानी कि 2 घड़ियां मिल रही है। आप कह सकते हैं कि शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच नज़र उतारने का सही समय रहता है। तो आइए जानते हैं नज़र कैसे उतारें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सामग्री लेनी है जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती है। आपको लेना होगा पान का पत्ता, आपको एक पान का पत्ता चाहिए। पान का पत्ता बिल्कुल साबुत होना चाहिए, पान के पत्ते में बिल्कुल भी टूटी वाली डंडी नहीं हो, डंडी जरूर होनी चाहिए। पान का पत्ता कटा फटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको लेनी होगी 7 साबुत लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च आपको लेनी है। साबुत लाल मिर्च की जो डंडी होती है वो भी होनी चाहिए, बिना डंडी का लाल मिर्च नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमें नमक चाहिए, नमक आपको खड़ा नमक लेना है, खाने वाला नमक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको खड़ा नमक मिल जाता है तो आप खड़ा नमक लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो भी आप ले सकते हैं। और रसोई वाले जो डिब्बे होते हैं उनमें से निकाल लेना है आपको। उसके बाद आपको काली सरसों के दाने या काली राई लेनी है, वो भी आपको बहुत ज़रूरी है, बारीक राई होनी चाहिए। देखिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ये सब सामान ले लें। इसके बाद आपको इन सब को पान के पत्ते में रख देना है, पान के पत्ते के ऊपर आप सबसे पहले क्या करेंगे, 7 लाल मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ी राई या फिर काली, जो काली वाली राई होती है वो ले लें, और उसके साथ ही आपको क्या लेना है, जिसके ऊपर नज़र लगी हुई है उसका आपको बाल का एक टुकड़ा लेना है, बस छोटा सा बाल का आप टुकड़ा ले लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 इंच जितना भी अगर आप बाल का टुकड़ा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद जिसको भी आपके घर में नज़र लगी है, जो भी बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी व्यक्ति है जिसको नज़र लगी है, आपको लगता है कि ये बहुत बीमार है और अचानक से उसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहने लगी है, तो
तो उसके लिए यह नज़र उतारने वाला आप उपाय करें, आप उस व्यक्ति को अपने घर के जो मुख्य दरवाजे होते हैं वहाँ पर आपको बैठा देना है, मुख्य दरवाजे पर नज़र वाले व्यक्ति को बैठाना है। उसका मुख बाहर की तरफ होना चाहिए। आप उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार इस चीज़ को घुमाइए जो मैंने आपको बताई है पान के ऊपर रखने के लिए। उसे पूरी चीज़ को आपको 7 बार घुमानी है, क्लॉकवाइज घुमानी है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ घुमाते हुए आप नज़र उतारें और जलती हुई अग्नि में घर के बाहर इसे जला दें। घर के बाहर जो है कहीं पर भी आप जलाकर इसको फेंक दें, और या तो पहले आप उपला जला लें, उपला ना मिले तो आग किसी भी चीज़ में आप लगवा लें और प्रज्वलित आग में इसे जला दें। उसके बाद जब अग्नि बुझ जाए तो उसमें पानी डालें या उसको जो है प्रवाहित कर दें, या फिर आपको नाले वगैरह में कहीं पर भी इसे फेंक सकते हैं आप, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि उसे बाहर ही नज़र उतार के आपको बाहर ही फेंकना है, घर के अंदर ना लेके आए, उसको बाहर ही फेंक दें। यह सब घर के अंदर नहीं करना है। कई लोगों की ये आदत होती है कि नज़र उतार के वो अंदर गैस के ऊपर या रसोई घर में जला देते हैं, यह बिल्कुल गलत है। हमें नज़र को बाहर ही जलाना है। जब भी आप नज़र उतारें गैस पर बिल्कुल भी ना जलाएं, इस बात का खास ध्यान रखें। और बस ये जो चीज़ें हैं आपके करने से जो नज़र दोष है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और जो भी व्यक्ति को नज़र लगी है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।